गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, गुप्त काल से संबंधित काफी कुछ हमने पहले वाले वीडियोज में भी पढ़ा है, तो आप वीडियोज को बार बार देखें। एग्जाम की दृष्टि से जो गुप्त काल है, ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं गुप्त काल से संबंधित, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। और गुप्त काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो हमने तीन चार भागों में बनाए हैं, तो पहला भाग इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में जिस महान एवं दीर्घकालीन राजवंश का उदय हुआ, इतिहास में जाना जाता है गुप्तकाल। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन अभिलेख नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, भीतरी स्तंभलेख, एहोल अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। तो इसमें आएगा एहोल अभिलेख। ठीक है, समुद्रगुप्त का समकालीन पल्लव वंशीय शासक कौन था? वो था आपका विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, और उदयपुर के अभिलेख चंद्रगुप्त के हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के हैं। भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त का है, विलसड स्तंभ लेख चंद्रगुप्त का है। तो इसमें देखिएगा, विलसड जो स्तंभ लेख है वह चंद्रगुप्त का बताया है, जबकि यह स्तंभ लेख है कुमारगुप्त का था। ठीक है, सातवाहनों के पश्चात आंध्र प्रदेश में किस क्षत्रिय राजसत्ता का उदय हुआ? इक्ष्वाकु वंश। गुप्त साम्राज्य का स्वतंत्र संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। संप्रति एरन का अभिलेख है सागर में। आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में कौन शक्ति शामिल नहीं थी? योधेय। समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। एरन के अभिलेख से किस गुप्त शासक पर प्रकाश पड़ता है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के संदर्भ में कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनमें से असत्य कूट का चयन कीजिए। इस अभियान का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति एवं एरन अभिलेख दोनों में मिलता है। दक्षिणापथ के 12 राज्यों का नाम मिलता है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राज्यों को जीतकर उनसे भेंट आदि लेकर मुक्त कर दिया। दक्षिणापथ के विजित राज्यों में कांची का राजा विष्णुगोप भी था। ठीक है, तो देखिए इसमें से असत्य कूट कौन सा है वो देखना हमें। तो इस अभियान का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति एवं एरन अभिलेख दोनों में मिलता है, ये बात गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चंपू शैली का उदाहरण है? एरन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर अभिलेख और एहोल अभिलेख। तो जो चंपू शैली का उदाहरण है वह है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में उत्कीर्ण समतट डवाक और कामरूप राज्य स्थित था, वो था आपका पूर्वी भारत में। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश कौन था, जिसने गुप्त नरेश की आज्ञा से बोध गया में एक भव्य विहार बनवाया था, वो था आपका मेघवर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त सम्राट संगीत का प्रेमी था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त, वो था आपका समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है? स्मिथ ने, एनफिंस ने, आर सी मजूमदार ने, रोमिला थप्पड़ ने, वो आपका है स्मिथ। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के विषय में कहा गया है कि विश्व में ऐसा गुण है जो उसमें नहीं है? वो है चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त, वो आपका है समुद्रगुप्त। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अतः यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक और शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो इसी प्रकार से बने रहें यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।